नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं अनकट। तो दोस्तों, बंगाल का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। अगर एबीपी न्यूज और सी वोटर के नवीनतम सर्वे को माना जाए तो ममता बनर्जी की सरकार तीसरी बार बन रही है। दूसरा, अगर इसी सर्वे को माना जाए तो बीजेपी का जो वोट प्रतिशत गिर रहा है वो बताता है कि जो वोटर है बीजेपी के साथ उसी परंपरा को निभा रहा है जिसमें वो लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को वोट देता है लेकिन विधानसभा चुनाव आते हैं तो थोड़ी सी कंजूसी बरत जाता है। तीसरा, महाजोत यानी लेफ्ट और कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो थोड़ा सा बढ़ा है वो ये बता रहा है कि एंटी ममता वोट बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस के बीच बट रहा है। स्वाभाविक तौर पर ये जो महाजोत है ये बीजेपी के लिए वोट कटवा साबित हो रहा है। जब आप कहेंगे कि तमाम चीजें बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं, ममता तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, तो फिर हम आखिरी अनकट कर ही क्यों रहे हैं, क्यों हम और अपना दोनों का हम समय खराब कर रहे हैं। लेकिन समय हम इसलिए खराब नहीं कर रहे क्योंकि बीजेपी के खेमे में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। नेता आ रहे हैं, अभिनेता आ रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती आए, पांच और टीएमसी के विधायक हैं वो टूटकर बीजेपी की तरफ आ गए, बीजेपी एक माहौल बनाने में लगी हुई है। तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी के तरकश में जीत का वो कौन सा तीर छुपा हुआ है जिसे हम पहचान नहीं पा रहे, ममता भी पहचान नहीं पा रही। क्या वास्तव में कोई तीर है भी या नहीं भी है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले ताजा सर्वे और एक महीने पहले जो 15 फरवरी को सर्वे हुआ था दोनों के आंकड़ों को कंपेयर करते हैं। ताजा सर्वे ये बताता है कि ममता बनर्जी को 41.53% वोट मिल रहा है। पिछली बार एक महीने पहले ममता को मिल रहा था 42.03% वोट, तो कुल मिलाकर 0.5% वोट की गिरावट दर्ज की गई है। सीटें आ रही हैं 158-159 के आसपास। बीजेपी को मिल रहा है 34% वोट। पिछली बार 15 फरवरी को जो सर्वे हुआ था एक महीने पहले करीब, उसमें मिल रहा था 37% वोट। तो बीजेपी के वोट परसेंट में सीधे सीधे 3% की गिरावट देखी जा रही है। महाजोत को वोट मिल रहा था पिछली एक महीने पहले करीब 17%, जो अब 2% बढ़कर 19% हो गया है। सीटों की संख्या भी 8-10 बढ़कर करीब 33 सीटें हो गई हैं। बीजेपी की सीटें 107 हो गई हैं। वोट परसेंटेज घटा है लेकिन एक महीने पहले एवरेज तौर पर बीजेपी की 102 सीटें बताई जा रही थी, अब 107 सीटें बताई जा रही हैं। यह गणित क्या है इसे समझने की कोशिश करेंगे कि वोट प्रतिशत अगर आपका कम है तो सीटें आपकी थोड़ी सी कैसे आगे बढ़ सकती हैं, ये एक अपने आप में हैरानी की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बीजेपी को डरा रही होगी, सता रही होगी, कि जो वोट परसेंटेज जो उसका घटा है 3%, उसमें से 2% महाजोत के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। यानी महाजोत का मजबूत होना बीजेपी के लिए खुशखबरी नहीं है। कुल मिलाकर ममता को मिल रहे हैं 41.53% वोट, बीजेपी को मिल रहे हैं 34% वोट। जहां दो बड़ी पार्टियां या दो बड़े गठबंधन आमने सामने सीधे टक्कर की शक्ल में हो, वहां पर 7.5% का वोट का परसेंट का जो मार्जिन है बहुत मायने रखता है। इस हिसाब से तो ममता को बहुत आसानी से वहां जीत जाना चाहिए। लेकिन फिर क्यों कहा जा रहा है, जानकार कह रहे हैं कि मामला फंसा हुआ है, अभी बीजेपी के पास बाउंस बैक करने का मौका है, अभी तो बीजेपी को अपना असली रंग दिखाना बाकी है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके 3-4-5 कारण है। पहला कारण यह है कि यह सर्वे लेटेस्ट तब हुआ जब परेड ग्राउंड में मोदी की रैली नहीं हुई थी, रैली को बीजेपी सफल बता रही है। ऐसी करीब एक दर्जन और रैलियां पश्चिम बंगाल में होनी है तो बीजेपी को भरोसा है कि 7.5% का वोट का मार्जिन है घट जाएगा। दूसरा बात यह है कि फेंस सिटर्स को लुभाने में बीजेपी कामयाब रही है। इससे पहले भी हमने कई चुनावों में देखा कि आखिरी दौर में वो कारपेट बॉम्बिंग करते हैं। यहाँ 7 अप्रैल तक बाकी 4 राज्यों में चुनाव पूरी तरह से निपट जाएगा, सिर्फ पश्चिम बंगाल रहेगा, और अगले 20 दिनों तक बीजेपी पूरा संगठन, पूरा मंत्रिमंडल हमें पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में दिखेगा। तो फेंस सिटर वोटर को काबू में लाना, उसका वोट अपनी झोली में डालना बीजेपी ये खेल खेलेगी, इसलिए कहा जा रहा है। दूसरी बात कही जा रही है कि ये जो सर्वे आया तब तक
टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ था, अब टिकटों का बंटवारा हो गया है। तो टिकटों के बंटवारे के बाद कुछ चीजें बदलती हैं, कुछ चीजें सुधरती हैं, कुछ चीजें और बिगड़ती हैं। बीजेपी खेमे को लग रहा है कि उनके खेमे की स्थिति सुधरी है और ममता के खेमे की स्थिति खराब हुई है, तो ये एक वजह है। लेकिन बीजेपी को अपनी ही उस परंपरा के खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा है या उस परंपरा को तोड़ने की जरूरत पड़ रही है, जो अभी तक बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चिंता का कारण यही है कि लोकसभा चुनाव में उसे जिस राज्य में ज्यादा वोट मिलता है, उसी राज्य में जब विधानसभा चुनाव होता है तो एक आध राज्य को अपवाद स्वरूप यूपी को छोड़ दिया जाए तो उसका वोट परसेंटेज कम हो जाता है। हम तीन राज्यों की खास तौर से बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में 28%, विधानसभा में 26%, -2 का नुकसान। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 58%, विधानसभा चुनाव में 37%, -22%। झारखंड में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 56% वोट मिला, विधानसभा चुनाव में 33%, यानी 23% वोटों का सीधा सीधा नुकसान हुआ। अगर हम बंगाल में देखें तो यही चीज बंगाल में अब देखने को मिल रही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40.7% वोट मिला था, और अगर सी वोटर के सर्वे को सही माना जाए तो आज की तारीख में बीजेपी को 34% वोट मिल रहा है, यानी 6.7% वोट का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। तो जानकारों का कहना है कि अगर बीजेपी इस परंपरा को तोड़ पाई जो अभी तक उसे नुकसान पहुंचाती रही है, तो बीजेपी कुछ कमाल दिखा सकती है, कमल खिल सकता है बंगाल में। नहीं तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें हैं आज की तारीख में। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि अभी चुनाव में वोट डलने में काफी समय बाकी है और 8 दौर का चुनाव होना है, कोई एक दौर का नहीं होना। ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपको ये अनकट पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।